हे hey गाइस क्या हाल चाल वेलकम टू वेदांतोज ओलम्पियाड स्कूल तो बच्चा पार्टी उम्मीद करूँगा आप लाइफ के अंदर अच्छा कर रहे होगे स्वस्थ होगे घर के अंदर बिल्कुल ऐसे अच्छा सा माहौल होगा ठीक है और अपने पेरेंट्स के साथ भी आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होगे तो आई थिंक दिस इज़ अ टाइम टू लर्न समथिंग न्यू ठीक है तो उसी के लिए वेदांतो ओलंपियड स्कूल आपके लिए एक लेकर के है, एक सीरीज लेके आए जिसके अंदर मैं आपका फिजिक्स टीचर रोहित गर्ग आपको फिजिक्स के बारे में टिप्स एंड टेक्निक्स बता रहा हूँ और बेसिक बेसिक चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं अब बच्चा बटी जैसे को आपको पता ही है वी के अंदर ये सभी प्रकार के ओलंपियाड्स हैं जूनियर साइंस के अंदर एन है मैथ्स के अंदर पी प्री आरएमओ, ओ आर एम इनमो है और सीनियर ओलम्पियाड्स के अंदर एन फिजिक्स के अंदर एन केमिस्ट्री के अंदर के और एन बायो के अंदर और ये जो पर्टिकुलर सीरीज है दैट इज अमेजिंग फिजिक्स दिस इज पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन एन एस ई जिसके अंदर एथ नाइन्थ टेंथ क्लास का कोई भी बच्चा बैठ करके अगर देखेगा ठीक है तो उसको काफी अच्छी तरह से चीजें समझ आएंगी और हां अगर प्लस वन प्लस टू वाला बच्चा भी अपने बेसिक्स करेक्ट करना चाहता है तो ये नो इश्यू वो भी इस वीडियोज को देख सकता है ठीक है तो बच्चों जैसे कि आपको पता है हम इसके ऊपर ऑलरेडी तीन वीडियोज बना चुके हैं जिसके अंदर हमने डिसप्लेसमेंट डिस्टेंस स्पीड वेलोसिटी एक्सेलेशन और equations of motion हमने किए थे। और हाँ बच्चों वीडियो के अंदर एक छोटी सी गलती थी जहां पे एक second equation को मैंने S U plus 80 बोल Please, equation S बोल दिया था। ठीक है बच्चों? तो इंपॉर्टेंट क्या है इंपॉर्टेंट है बच्चों फिजिक्स कभी भी थियोरी पढ़ने से नहीं आती है फिजिक्स आती है जब उसके ऊपर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो मतलब आप अपना टारगेट बनाए कि अगर आप एक टॉपिक पढ़ते हो तो कम से कम एटलीस्ट उस टॉपिक के ऊपर दस क्वेश्चन आप सॉल्व करें ही करें ठीक है बच्चों तो इसलिए इसी चीज को ध्यान में रखते हुए और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए ताकि आप ये समझ पाओ कि ये जो एन का एग्जाम है ये ज्यादा टफ नहीं है ये बिल्कुल एक स्ट्रेटेजिक स्टडी है तो इस वीडियो के अंदर जितना जितना भी हमने पढ़ा है जितना भी पढ़ा है है ना उसके ऊपर हम क्या करने वाले हैं आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं दैट इज टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ठीक है तो एक छोटी सी बात कहूंगा बच्चों स्टार्टिंग में कह देता हूं वीडियो शुरू होगी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने शुरू करूंगा जैसे ही क्वेश्चन आए आप अपनी वीडियो को प्लीज बच्चा पार्टी दो मिनट के लिए रोकिए दो मिनट के लिए रोकने के बाद कॉपी पेन लेकर के उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और फिर से इस वीडियो को रीस्टार्ट कीजिए राइट ताकि आप देख सको क्या आप लोग जो सोच रहे हो क्या वो उसी लाइन के ऊपर सोच रहे हो जैसे हम पढ़ा रहे हैं या फिर एक्चुअल जो सॉल्यूशन है क्या उसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है अब यार हो सकता है कि आपके सभी क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर गलत हो जाए तो यार डीमोटिवेट नहीं होना है ठीक है चलती का नाम जिंदगी है अप अपडाउन आते रहेंगे पर आपने डीमोटिवेट नहीं होना है आपने आपने फोकस करना है है बार बार उठ करके प्रैक्टिस करनी है, ठीक है क्योंकि अच्छा क्या हो जाएगा ऐसे अगर आप सॉल्यूशंस देखते रहोगे तो ऐसा क्या होता है ये, ये जो अपना ब्रेन है ना बच्चों ये एक जनरेटर की तरह है जैसे हम जनरेटर को स्टार्ट करते हैं किक करते हैं वो नहीं स्टार्ट होता है फिर, फिर किक करते हैं नहीं स्टार्ट होता है, फिर हम ऑयलिंग करते हैं फिर किक करते हैं फिर वो स्टार्ट होता है राइट तो सेम इज इथ ब्रेन मान लो अभी थॉट्स नहीं आ रहे हैं सोल्यूशन देखोगे फिर से और क्वेश्चन सॉल्व करोगे नहीं सॉल्व हो रहे हैं और सोल्यूशन देखोगे तो धीरे धीरे माइंड जो है वो खुद को वो खुद उस तरफ से ट्यून हो जाता है वो ऑटोमेटिकली सब कॉन्शियसली ऐसे कर देता है फॉर एग्जांपल जब हम साइकिलिंग चलाते हैं ना साइकिलिंग करते थे बचपन में ठीक है अभी भी बचपन ही है पर जब थोड़ा सा और पीछे छोटा साइकिल चलाते थे स्पोर्ट्स के साथ ठीक है तो जब उस टाइम पे साइकिल चलाते थे हम गिरते थे ठीक है फिर हम बड़ा कॉन्शियसली एफर्ट करते थे अरे ऐसे चढ़ूंगा अरे ऐसे स्कीम बनाते थे अरे ऐसे चढ़ूंगा अरे यहाँ पे शेल्फ पे ऊपर बैठ करके कूदूंगा भाई पीछे से साइकिल पकड़ेगा मम्मी पीछे से साइकिल पकड़ेगी पर फिर आप ये चीजों पे फोकस करना छोड़ देते हो या फिर साइकिल चलाने का मजा उठाने लग जाते हो क्योंकि वो चीज सब कॉन्शियसली हमारे ब्रेन के अंदर फीड हो चुकी है तो यही पर्पज है बच्चों आपको ये क्वेश्चन करवाने का इन क्वेश्चन को सोल्यूशन दिखाने का ताकि आपका माइंड सब कॉन्शियसली इन चीजों के ऊपर फोकस करना शुरू कर दे और आपका माइंड ऐसे डेवलप हो जाए तो तो टारगेट है कि हम प्रीवियस जितना भी हमने पढ़ा है उसके ऊपर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, एक चीज और सेकेंड अगर आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं आपके कंसेप्ट वीक है आप उन वीडियो को रीवॉच कीजिए वीडियो को फिर से देखिए क्योंकि उसके अंदर मैंने एक एक कंसेप्ट समझाया हुआ है सॉल्व करवाया हुआ है उसी की एप्लीकेशन आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे ठीक है तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर एन एस सीजीएस फर्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं अब पार्टिकल एक्सपीरियंस इज कॉन्स्टेंट एक्सिलेशन एक पार्टिकल है वो कॉन्स्टेंट एक्सिलेशन से चल रहा है फॉर ट्वेंटी सेकेंड्स आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट रेस्ट से स्टार्ट कर करके वो ट्वेंटी सेकेंड्स के लिए कॉन्स्टेंट एक्सेलेशन से चल रहा है डिस्टेंस एस वन इन द फर्स्ट टेन सेकेंड्स अगर ये एस वन डिस्टेंस फर्स्ट दस टेन सेकेंड्स के अंदर एंड नेक्स्ट एस टू डिस्टेंस इन नेक्स्ट टेन सेकेंड्स और अगले टेन सेकेंड्स के अंदर भी वो एस टू डिस्टेंस चल रहा है तो हमने बच्चों बतानी है यहां पर एस वन एंड एस टू की रेशियो बतानी है या फिर उसमें एस वन और एस टू में क्या रिलेशन है अब बच्चा पार्टी आप लोगों ने यार इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है तो मुझे लगता है काफी बच्चे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने की कोशिश करेंगे पर बच्चों अगर तुम्हें याद हो लास्ट क्लास के अंदर मैंने एक तुम्हें गैलीलियो लॉ पढ़ाया था ठीक है अब गैलीलियो लॉ क्या कहता है बच्चों लेट्स स्टार्ट विद गैलीलियो लॉ ठीक है गैलीलियो लॉ की बच्चों तीन मेन कंडीशंस थी फर्स्ट कंडीशन पार्टिकल मस्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ओके सेकेंड कॉन्स्टेंट एक्सेलेशन कॉन्स्टेंट एक्सेलेशन एंड थर्ड एंड थर्ड इक्वल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और अगर ये तीनों सिचुएशन तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो जो रेशियो आएगी इक्वल इंटरवल के अंदर वो ऑड नंबर होगी दैट इज वन इज टू थ्री इज टू सेवन इज टू नाइन अप टू टू एन माइनस वन और, और इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था गैलीलियंबर क्योंकि ये ये आप लोग सही सुन रहे हो क्योंकि यहां पर सब कुछ ऑर्ड नंबर की फॉर्म में चल रहा है अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन uh, के अंदर क्या उसने ये कंडीशन दे रखी है बिल्कुल देखते हैं यस पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फर्स्ट कंडीशन फुलफिल्ड पार्टिकल एक्सपीरियंस इज कॉन्स्टेंट एक्सलेशन यस सेकेंड सिचुएशन ऑल्सो फुलफिल्ड नाउ इट कवर द डिस्टेंस एस वन इन फर्स्ट टेन सेकेंड यस एंड इन नेक्स्ट टेन सेकेंड तो यहां पर इक्वल इंटरवल कितने कितने सेकेंड्स का है टेन 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 सेकेंड्स का बच्चों इक्वल इंटरवल यहां पे चल रहा है राइट right? तो जाने कि इनके अंदर जो रेशियो आएगी, आएगीवन ऐसे करके चलेगी तो उसने क्या बोला है कि फर्स्ट टेन सेकेंड्स के अंदर बच्चों फर्स्ट टेन सेकेंड्स के अंदर वो चलता है एस वन एंड सेकेंड जो टेन सेकेंड्स हैं, जो सेकेंड पार्ट है टेन सेकेंड का उसके अंदर वो चलता है एस टू तो यार अब आपको पता ही है यहाँ पे क्या चल रहा है कि one is two, three. तो जो is two, है बच्चों उसकी वैल्यू क्या है one is two, three. तो S2 की वैल्यू देखिए टाइम्स तो आप देख सकते हो बच्चों दैट इज गोइंग टू बी द आंसर अब अगर आपको गैलीलियो लॉ भूल गया गलती से भी जो कि नहीं भूलना चाहिए राइट तो आप देख लो इस क्वेश्चन पे आप कम से कम वहां पे 10 मिनट वेस्ट करते इक्वेशंस लिखते फलाना दिमखाना करते तो मैं जो चाहता हूं मैं चाहता हूं कि आप ट्रिक्स भी सीखें साथ साथ में ना ट्रिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है ट्रिक्स इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो आपको बड़ा बेनिफिट करेंगी लॉन्ग रन के ऊपर सो दिस इज गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड तो देखते हैं इज आंसर आंसर इज ए तो चलिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा कितना आसान है चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सेकंड क्वेश्चन द टेक ऑफ स्पीड ऑफ एयर बस ए थ्री फोर्टी इज टू हंड्रेड 88 किलोमीटर पर आवर टेक ऑफ स्पीड मतलब जब प्लेन चलता है और एकदम से रनवे से ऊपर उठता है दैट इज कॉल्ड द टेक ऑफ स्पीड फ्रॉम द टैक्सी ट्रैक इट कम्स टू द मेन रनवे अब बच्चों में भी आप में से कुछ लोग एयरप्लेन एरोप्लेन देखने नहीं गए हो गए या एयरपोर्ट के एक्सपोजर अभी तक नहीं होगा क्या होता है कि जैसे आप एयरपोर्ट के अंदर एंटर करते हैं तो वहां पे बसेस लगी होती हैं वो आपको उठाती हैं और एरोप्लेन तक लेके जाती हैं दैट इज कॉल्ड द टैक्सी ट्रैक राइट

ठीक है फ्रॉम द टैक्सी ट्रैक इट कम्स टू द रेलवे एंड वेट्स फॉर अ वॉइल फॉर फॉर द फाइनल क्लियरेंस अब यार उसके बाद यहां पे जैसे स्टेशन पे होता है ना वो अंकल हरी झंडी देते हैं तो ट्रेन जाती है तो सिमिलरली uh, इस एरोप्लेन को भी टेक ऑफ करने के लिए क्लियरेंस की जरूरत होती है तो वहां पे कोई आदमी ऐसे झंडी लेके नहीं खड़ा होगा वो थोड़ा सा डिजिटल सिस्टम होता है ठीक है अब द एयरक्राफ्ट देन अचीव दिस स्पीड विद इन फिफ्टी सेकेंड्स अब इंजन इतना पावरफुल होता है बच्चों बड़े बड़े रोटेटर्स लगे होते हैं साइड पे। तो ये जो एयरप्लेन है वो फिफ्टी सेकंड्स के अंदर वो जो टेक ऑफ स्पीड है वो अचीव कर लेता है ठीक है अब वो कह रहा है कि हमने नेगलेक्ट करना है जो साइड पे विंड डायरेक्शन या उसकी फ्रिक्शन है उसको निगलेक्ट कर देते हैं तो रनवे की मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए रनवे की मिनिमम लेंथ जो सिविल इंजीनियर बनाएगा भाई यार ऐसे थोड़ी है कि कोई भी कैसे रनवे बना देगा तो प्रॉपर इंजीनियरिंग लगती है है ना तो मान लीजिए वो यहां पे जा करके कहीं पे टेक ऑफ करता है लेट्स बो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ठीक है और कहाँ पे जा करके टेक ऑफ कर रहा है मान लीजिए यहां पर जा करके वो टेक ऑफ कर रहा है ठीक है दिस इज द टेक ऑफ पॉइंट तो अगर यहां पे जाकर के वो टेक ऑफ कर रहा है तो वो पूछना चाहता है इनके बीच का ये डिस्टेंस है लेट्स कॉल दिस इज एस ये कितना होगा ठीक है ये कंडीशन है बिल्कुल सिंपल कंडीशन है लेट्स स्टार्ट हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ठीक है उम्मीद करूंगा आप लोग वो प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हो कि दो मिनट के लिए वीडियो पॉज करोगे और फिर आप स्टार्ट करोगे और मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया है ठीक है चलिए बच्चों अब देखते हैं अब बच्चों सबसे पहले उसने बोला है कि टेक ऑफ स्पीड जो है उसकी द टेक ऑफ स्पीड इज 288 किलोमीटर पर आर अब मैंने बच्चों आपको एक छोटी सी चीज पहले बताई है कि आपने जब भी कोई भी आंसर देना है आपने ऐसा SI यूनिट के अंदर देना है तो किलोमीटर पर आर को हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर मीटर पर सेकंड के अंदर के तो आपको पता है यहां पे कि वन किलोमीटर पर आर इज इक्वल टू यस कितना फाइव बाई एटीन मीटर पर सेकंड यस ठीक है तो टेक स्पीड कितनी होनी चाहिए टू एटी एट इन टू फाइव बाई एटीन अब 18 आया यहां पे तो जैसे आप इसको डिवाइड करोगे बच्चों यहां पे आएगा 16 और दिस इज कमिंग आउट टू बी 80 मीटर पर सेकेंड हो सकता है आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन के अंदर ज्यादा टाइम लगे नो no इश्यू अब बच्चों स्टार्ट वो कैसे कर रहा है टी इज इक्वल टू जीरो राइट और इक्वल टू फिफ्टी सेकेंड्स पे उसकी स्पीड कितनी हो चुकी है बच्चों उसकी स्पीड हो चुकी है एटी मीटर पर सेकेंड तो सबसे पहले आई थिंक हमें कैलकुलेट कर लेनी चाहिए क्योंकि सभी इक्वेशन के अंदर चाहे वो पहली है और चाहे वो थर्ड इक्वेशन है अंदर एक्सेलेरेशन आती है और यहां पे तो मेरे पास एक्सेलेरेशन है नहीं तो मैं क्या करूंगा v equal to u at सबके सर पे एरोज है बच्चों मतलब ये कौन सी क्वांटिटीज़ हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं तो कितनी स्पीड at कहां से चल रहा है जीरो से प्लस एक्सेलेरेशन नहीं मालूम सर वही तो कैलकुलेट करनी है एंड व्हाट इज द टाइम दैट इज 50 तो a इज कमिंग आउट टू बच्चों 8 5 मीटर 8 5 दिस इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट बाई फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दैट इज एक्सेलेशन राइट अब अब तो यार काम बड़ा इजी है हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है जब वो प्लेन क्या करेगा टेक ऑफ कर रहा है वो डिस्टेंस मिनिमम कितना होना चाहिए कोई ऐसी इक्वेशन बच्चों सोच करके देखो जो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी एक्सलेशन और डिस्प्लेसमेंट को लिंक करती हो तो आपके दिमाग में आएगा सर वी फाइनल वेलोसिटी यू इनिशियल वेलोसिटी एक्सलेशन एंड डिस्प्लेसमेंट सर थर्ड इक्वेशन दी इज इक्वल टू यू ऑफ टू ए एस एंड एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू यूज द इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्र प्लस ऑफ टू ए एस अब फाइनल वेलोसिटी बच्चा पार्टी ए स्क्वायर आ चुकी है इनिशियल वेलोसिटी जीरो है क्योंकि क्लीयरेंस चाहता था तो टू प्लस एक्सेलेरेशन दैट इज एट बाय फाइव इन टू डिस्प्लेसमेंट एंड यस वी हैव टू कैलकुलेट दिस डिस्प्लेसमेंट लेट्स सी कैलकुलेशन काफी इजी लग रही है मुझे 16 बाय फाइव इन टू एस मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ ठीक है तो एस कैन बी रिटन एज एटी डिवाइडेड बाय मैं सिक्सटीन को एक्सपेंड कर लेता हूँ टू इंटू एट की फॉर्म में आई थिंक मुझे काफी ईजी दिखाई दे रहा है दिस इज टेन दिस इज फोर्टीन एंड फाइव इंटू फोर दैट इज ट्वेंटी तो एस की वैल्यू बचा पार्टी एस कितना आ रहा है यहाँ पे टू थाउजेंड मीटर एंड यस आप देख सकते हो कितना इजी पीजी क्वेश्चन है ये yes, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन होंगे आप देख के और है, आप देख सकते हो इसमें आप चेक भी कर सकते हो दीज ऑल आर एनएसएस क्वेश्चन बच्चों फ्री के नंबर बट रहे हैं बस आपको स्टेप बाय स्टेप तैयारी करते रहना एंड यस आंसर इज बी मजा आ रहा है तो yes. चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा कुछ क्वेश्चंस कभी कभार ट्रिकी भी होते हैं बच्चों ध्यान से सुनना आर टू ट्रैक्स ए एंड बी एज शोन इन फिगर द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी इज ऑल्सो शोन इन द फिगर ठीक है दो ट्रैक्स हैं एक ऊपर ए है और एक नीचे बी है ठीक है और ग्रेविटी uh, जो नीचे की तरफ है मतलब ये हॉरिजेंटल पड़ा हुआ है ग्रेविटी नीचे की तरफ है इफ टू सिमिलर बॉल्स बिगेन टू मूव एट द सेम यूनिफॉर्म विलॉसिटी अगर दो बॉल्स ए और बी के ऊपर सेम विलॉसिटी से छोड़ दी जाए ठीक है एट द सेम टाइम सेम टाइम पे छोड़ दिया हमने फॉर द विच ऑफ़ द टू बॉल्स विल रीच द एंड ऑफ द ट्रैक फास्टर अब इन दोनों में से कौन सी बॉल जल्दी दूसरे एंड पे पहुँचेगी अब यार क्वेश्चन बहुत ही ईजी है क्वेश्चन थोड़ा सा एनालिटिकल है ठीक है काफ़ी बच्चे जो हैं अब अच्छा एक्चुअल में ये एक्सपेरिमेंट भी है ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट भी है तुम यूट्यूब पर जाकर के ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता हुआ देख सकते हो रियल लाइफ के अंदर भी परफॉर्म किया हुआ है लोगों ने आप देख चेक कर सकते हो वहाँ पर ठीक है चलिए वीडियो पॉज कीजिए सोचिए और आंसर देखिए और उसके बाद हम इसका सोल्यूशन देखते हैं ठीक है बच्चों तो चलिए स्टार्ट करते हैं उम्मीद करूँगा आपने प्रैक्टिस फॉलो कर ली होगी अब उसने क्या बोला है दोनों बॉल्स जो हैं वो टी इज टू जीरो पे मान लीजिए टीज इक्वल टू जीरो पे वी स्पीड से लॉन्च कर दी ठीक है अब यार ये जो है ए बॉल ऐसे कॉन्स्टेंट स्पीड से जाती रहेगी और यहां तक पहुंचेगी अब जो बी है जैसी वो यहां पे आएगी इस इनक्लाइंट पे आपको पता है वो एकदम से क्या हो जाएगी तेज हो जाएगी और जैसी वो नीचे पहुंचेगी नो no डाउट बच्चों उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी कुछ वी डैश हो जाएगी अब इसके करस्पॉन्डिंग आप ऊपर देखिए इतने पैच के अंदर जो ए की स्पीड है वो वी है और इसकी स्पीड है वी डैश तो वी डैश इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन वी तो इतना रास्ता इसको मैं कह देता हूँ लेट्स वो सी एंड इसको मैं कह देता हूँ डी तो सी डी जो डिस्टेंस है सी डी डिस्टेंस जो है वो बी बॉल जो है जो बी ट्रैक के ऊपर चल रही है वो तेजी से कवर कर रही होगी जबकि उतना ही डिस्टेंस जो ए बॉल है वो कम तेजी से यानी कि वी स्पीड से चल रही होगी अब जैसे ये इंक्लाइन से फिर पे फिर से ऊपर चढ़ेगी अब क्योंकि दोनों सिमेट्रिक हैं दोनों क्या है सिमेट्रिक हैं एक चीज का ध्यान रखिए बोथ आर सिमेट्रिक अगर दोनों सिमेट्रिक हैं तो बच्चों ऊपर चढ़ते हुए जितना यहां पे इसने एक्सलेट किया था जितना एक्सलेट यहां पे किया था उतना ही यहां पे ये यह क्या करेगी रिटार्ड करेगी और फाइनली अपनी स्पीड कितनी अचीव कर लेगी वी हम्म तो अब देखिए यहां से डी टू ए डी टू ए जो बॉल है वो वी स्पीड से चल रही है ऊपर वाली और उतने ही डिस्टेंस नीचे वाला बॉल भी बी स्पीड से चल रही है तो अगर मैं यहां पे समअप करूं बच्चों अगर मैं यहां पे समअप करूं थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ये ए ट्रैक ये ए ट्रैक परेशान नहीं होना अगर नहीं भी समझ आया मैं रिपीट कर रहा हूं ये ए ट्रैक ये बी ठीक है अब आपको ये समझ आ रहा है कि यहां पर बॉल एक्सलेट कर रही है यहां पर बॉल रिटार्ड कर रही है ठीक है हम कॉरेस्पॉन्डिंग ऊपर मैच कर लेते हैं देखिए यहां पे और ये ये यह यहां पे सिचुएशन लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज वन इसको हम वन कह देते हैं ठीक है दिस इज वन दिस इज टू दिस इज थ्री एंड दिस इज फोर सिमिलरली दिस इज ऑल्सो वन टू थ्री एंड फोर और नीचे वाली बी अब यार वन 1 टू 2 तक दोनों बॉल्स v स्पीड से चल रही हैं ठीक है a बॉल 2 टू 3 तक भी v से चल रही है पर जैसे ही यहां पे ये यह बॉल आई ये बॉल जो आई b नीचे वाली वो क्या कर गई वो एक्सीलरेट कर तो जब वो पहुंचेगी यहां पे उसकी स्पीड v डश हो चुकी है और वी डैश is greater than v डश इज ग्रेटर देन v ठीक है तो जाने की जब ये बॉल नीचे वाली बॉल 2 टू 3 पे जा रही है 2 टू 3 पे अगर वो टाइम t डश ले रही है और ऊपर वॉली बॉल जो है टू टू थ्री के बीच में टाइम टी ले रही है तो जो टी डैश होगा बच्चे वो कम होगा टी से वन टू टू दोनों सेम दोनों टाइम जो है सेम है फिर जैसी वो रिटार्ड हुई जैसी वो रिटार्ड हुई उसने फिर से स्पीड कितनी अचीव की वी स्पीड की सिमिलरली यहां पे भी उसने वी स्पीड की अब देखिए दोनों की स्पीड सेम है दोनों की लेंथ सेम है तो टाइम भी क्या लगेगा सेम लगेगा तो आप देख सकते हो जब ये ऐसे नीचे गई और वापस चढ़ी उस टाइम पे जो बी बॉल है वो थोड़ा सा तेज हो गई उसने एक्सेलेशन को यूज कर लिया और फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कि वो रिटार्ड भी तो कर रही है बट स्टिल बच्चों उस टाइम पे उसकी जो स्पीड है दैट इज ग्रेटर देन वी तो आप देख सकते हो जो तो बी बॉल है वो फास्टर से यानी कि जल्दी चल रही है और वो तेज से वहां पे तेजी से वहां पे पहुंच जाएगी तो आप देख सकते हैं कौन से जी, रेस जीतेगा तो बी बॉल जो है वो रेस जीतेगी और आप इस चीज को बच्चों में बार बार कह रहा हूं यूट्यूब पे जाकर के भी वहां पे आप देख सकते हो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हुआ है तो आप देख सकते हो जो एन है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल आस्पेक्ट पे भी चीजों को पूछता है बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बड़ा ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है अगेन प्रीवियस ईयर एनएस क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज इम्पॉसिबल इनमें से कौन सी सिचुएशन इम्पॉसिबल है यानी कि पॉसिबल नहीं है बॉडी हैविंग विलोसिटी एंड एक्सलेशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन येस इट इज़ पॉसिबल बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है अगर मान लीजिए गाड़ी जा रही है वी स्पीड से और अगर इसके ऑपोजिट कोई फोर्स लगा दे तो यस इट इज़ पॉसिबल तो इसके कोई दिक्कत नहीं है तो ए पॉसिबल है बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी एंड नॉन जीरो अगर आप किसी भी चीज को उछालते हो और जब वो अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा ऊपर की तरफ ये आपको मैं वर्टिकल मोशन के अंदर भी समझाऊंगा जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचता है बच्चों उसकी वेलोसिटी जीरो होती है पर उसके पास एक्सलेशन होती है नीचे की तरफ देट इज जी मैं आपको रियल लाइफ की सिचुएशन बता रहा हूँ तो बी इज also possible. सिर्फ फर्स्ट इज पॉसिबल second is also possible and third थर्ड सिचुएशन अब बॉडी हैव कॉन्स्टेंट एक्सिलेशन एंड वेरिएबल विलॉसिटी एक्सिलेशन कॉन्स्टेंट हो एंड वेरिएबल विलोसिटी हाँ ये तो होता ही है क्योंकि तीन तीन कंडीशन आती है बच्चों हमारे पास आप देख सकते हो अगर अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट है ये आगे वी से चल रहा है और इसकी एक्सेलेशन ऑपोजिट है यानी कि दोनों के बीच के वन एटी डिग्री एंगल है तो ये फिनली जो उसकी स्पीड है वो कम होती है अगर स्पीड कम होगी अब आपको पता है जो विलोसिटी होती है विलोसिटी क्या होती है अब यार ये मत सोचना कि सर हर बात पे कह देते हैं। आपको तो पता है मतलब मैं उम्मीद करूंगा आप मेरी ऊपर वाली वीडियोस देख रहे होगे ठीक है स्पीड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन दैट इज वेलोसिटी हम्म और इंस्टेंटेनियस की बात करता हूं इंस्टेंटेनियस क्या होता है तो वहां पे आप जाकर के देखिए पुरानी वीडियो के अंदर ठीक है तो स्पीड कम हो रही है तो मतलब यहां पर वेलोसिटी भी कम हो गई ठीक है अब अगर मैं यहां पे बोलूँ सेकेंड सिचुएशन के वेलोसिटी आगे की तरफ एक्सलेशन भी आगे की तरफ तो इसका मतलब जो स्पीड है वो इंक्रीज कर रही है स्पीड इंक्रीज कर रही है तो वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रही है एंड लास्ट सिचुएशन मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कल के अंदर चल रहा है ठीक है सर्कुलर मोशन के अंदर हम देखेंगे इस चीज को और ध्यान से मान लीजिए yes, उसकी स्पीड कांस्टेंट है स्पीड चाहे कांस्टेंट है बच्चों बट यस अगेन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब यहां पे वेलोसिटी क्या हो रही है वेरिएबल है रीजन बीइंग भैया उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो मतलब अगर एक्सलेशन है अगर एक्सलेशन है तो मतलब उसकी वेलोसिटी जो है वो बच्चों क्या है वेरिएबल है वेरिएबल मतलब चेंज हो रही है तो आंसर इज यस दिस इज ऑल्सो ट्रू तो जाने की थर्ड स्टेटमेंट भी ऑल्सो पॉसिबल है एंड लास्ट स्टेटमेंट अब यार एक तो सही होगी होगी राइट अब बॉडी हैविंग कॉन्स्टेंट वेलोसिटी एंड वेरिएबल एक्सलेशन नहीं बच्चों दैट इज नॉट पॉसिबल नाउ वट डी मीन बाई वेरिएबल एक्सलेशन बच्चों वेरिएबल एक्सलेशन का मतलब क्या है मान लीजिए ए इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब जो एक्सेलेशन टाइम डिपेंडेंट हो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही हो यानी कि टाइम डिपेंडेंट एक्सेलेशन इज कॉल्ड वेरिएबल एक्सेलेशन और अगर बच्चों एक्सेलेशन होगी ना तो आप एक समझ लीजिए वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती वेलोसिटी वेरी करेगी करेगी तो डी इज इम्पॉसिबल डी इज इम्पॉसिबल नेक्स्ट टू पॉसिबल भी नहीं आप कह सकते दैट इज इवन आप ये भी नहीं कह सकते कि आई इम्पॉसिबल ऑल्सो सेज आई पॉसिबल नहीं यहां पे वो भी गलत हो जाएगा राइट सो दिस इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकल लाइफ की सिचुएशन है डी अगेन देखिए आंसर तो अगेन देखिए एनएससीजीएस ने बड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा राइट तो उम्मीद करूंगा बच्चों आप एंजॉय कर रहे हो मजा ले रहे हो नहीं समझ आया वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके जाइए और फिर से स्टार्ट करिए आपको समझ आएगा और हाँ बच्चों प्लीज जाते जाते वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा क्योंकि आप इसको लाइक like करोगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आऊँगा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आऊँगा और हाँ मेरा प्रॉमिस है आपसे बच्चों क्वालिटी कंटेंट होगा एंड यू विल डेफिनेटली लर्न समथिंग फ्रॉम दीज वीडियोज दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ टाइम पास ये मेरा आप लोगों से वादा है ठीक है बच्चों तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बड़ा ही प्यारा और क्यूट सा क्वेश्चन आप देख सकते हो वाइल्ड ड्राइविंग ऑन अ लेवल रोड एट सेवेंटी टू किलोमीटर पर आर गाड़ी चला रहा है बंदा 72 किलोमीटर पर आर थोड़ा सा हाइट स्पीड से ऊपर है 60 किलोमीटर पर आर की स्पीड जननी रहती है सिटी के अंदर ठीक है तो बच्चों तेज नहीं चलानी गाड़ी विनायक ऑब्जर्व द ट्रैफिक सिग्नल टर्निंग रेड उसने देखा विनायक ने सामने मेरे ट्रैफिक सिग्नल है और वो रेड हो गया द स्टॉपिंग लाइन बिटवीन बींग फिफ्टी टू मीटर अवे फ्रॉम द फ्रंट एंड ऑफ हिज कार फ्रंट एंड यानी कि हेडलाइट से जो ट्रैफिक लाइट्स 52 मीटर उसने एकदम से ब्रेक लगाई। एकदम से से ब्रेक ब्रेक लगाई, लगाई तो जो गाड़ी है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से स्क्रेट करना शुरू हो गई ठीक है हाउ फार फ्रॉम द स्टॉपिंग लाइन कितना दूर स्टॉपिंग लाइन से पहले स्टॉपिंग लाइन से कितना पहले जो है विनायक की गाड़ी रुक जाएगी अगर वो सिक्स सेकेंड तक वो ऐसे करता है वो ब्रेक लगाता है अगेन गाइज जस्ट एक टू मिनट्स और थ्री मिनट्स और फाइव मिनट्स नॉट में टाइम पर कोई बाउंडेशन नहीं है सॉल्व कीजिए देन रिस्टार्ट योर वीडियो तो उम्मीद करूंगा बच्चों आपने फॉलो किया होगा बच्चों एक लव्य जो था वो द्रोणाचार्य की हर बात फॉलो करता था ठीक है इवन कि द्रोणाचार्य उनके सामने नहीं था तो आज वो टाइम वापिस आ चुका है योर ध्रोणा इज नॉट इन फ्रंट ऑफ यू तो वो आपको ये नहीं कह सकता कि तुम ऐसे नहीं कर सकते राइट बट यू हैव टू बी एक लव्य आप लोगों ने निष्काम भावना से और सच्ची भावना से वीडियो को पॉज करने सॉल्व करने राइट आप सीखोगे बच्चों से इसलिए मैं कह रहा हूं और कोई प्रबज नहीं है चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहां पे है ट्रैफिक लाइट्स देखिए ये है हमारी ट्रैफिक लाइट्स ओके ट्रैफिक लाइट्स गाड़ी हमारी यहाँ पे ये रही हमारी गाड़ी ये ये रही हमारी कार और इस टाइम पे जब विनायक देखता है कि गाड़ी यहाँ पे जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वो रेड हो गई हैं उस टाइम पे विनायक की गाड़ी की स्पीड है सेवन टू किलोमीटर पर आर कन्वर्ट करें कन्वर्ट करें मीटर पर सेकंड्स से के अंदर तो v u इज इक्वल टू क्योंकि t इज सेवेंटी टू इंटू फाइव बाई एटीन येस अब अब यहां पे कितना आएगा फोर आएगा और फोर इंटू फाइव इज ट्वेंटी मीटर पर सेकंड तो यानी कि जो गाड़ी है बच्चों वो कितने से चल रही है वो ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड से चल रही है एट प्रेजेंट ये जो लाइट्स हैं वो कितनी दूर हैं मीटर अवे किलोमीटर किलोमीटर तो नहीं होगा सोचो ना 52 देखना मतलब बहुत दूर होता है ठीक है और एकदम से इसने क्या कर दिया ब्रेक लगा दिए ब्रेक्स अप्लाइड ब्रेक्स अप्लाइड तो जाने की यहां पे डेफिनेटली क्या है बच्चों रिटार्डेशन रिटार्डेशन कितने की है फोर मीटर पर स्क्वायर कैसे पता वेलोसिटी और एक्सलेशन जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो बच्चे उसको कहते हैं रिटार्डेशन अब मान लीजिए गाड़ी यहां पे आकर के रुक जाती है कितने सेकंड के लिए उसने किया सिक्स सेकंड के लिए रुक गई मतलब फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करना है ये डिस्टेंस कितना है सच दैट कि मैं ये फाइंड कर सकूं वो ट्रैफिक लाइट से कितना पहले रुकी क्वेश्चन है कि वो ट्रैफिक लाइट से कितना पहले रुकी तो उसके लिए मुझे एस फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या कोई ऐसी इक्वेशन है जो उसकी इनिशियल वेलॉसिटी फाइनल वेलोसिटी जो कि एक्सिलेशन यानी डिस्टेंस को लिंक करें सर एक तो है, कौन सी? Equation, square, AS, सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं साइन कन्वेंशन नहीं भूलना है साइन कन्वेंशन क्या थी सर कि आगे की तरफ पॉजिटिव पीछे की तरफ नेगेटिव ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ फिर से नेगेटिव ठीक है आई थिंक चलिए इट्स टाइम टू चेंज द कलर ऑफ द पेन ताकि हम थोड़ा सा और इस चीज को देख सकें ना व्हाट इज फाइनल स्पीड दैट इज जीरो स्क्वायर व्हाट इज इनिशियल स्पीड दैट इज ट्वेंटी स्क्वायर प्लस ऑफ टू वॉट इज द एक्सेलेशन सर माइनस फोर माइनस क्यों पीछे की तरफ एंड एस तो यहां पे लिख सकता हूं माइनस ऑफ फोर हंड्रेड इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ टू इंटू फोर इंटू एस तो बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल आउट देखिए फोर गया यहां बचा हंड्रेड और टू से यहां पे कितना 50, yes. तो S की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों फिफ्टी मीटर्स ये तो उसने डिस्टेंस कवर किया है बिफोर कमिंग टू रेस्ट तो ट्रैफिक लाइट्स जो कि उसके फ्रंट यानी कि हेडलाइट से 52 मीटर्स के डिस्टेंस पे थी तो उसकी हेडलाइट्स अभी 50 मीटर कवर कर चुकी हैं तो अभी टू माइनस फिफ्टी तो कितना पहले रुकी के गाड़ी लाइट से, चलान है वो भी हैवी हो चुके है ठीक है टैक्सीज हेवी हो चुके हैं ठीक है तो ध्यान रखिएगा उसके पीछे रोकना है ना वाई वो जो जेब्रा क्रॉसिंग है उसके आगे नहीं रोकना है नहीं तो अंकल पुलिस अंकल चलान काट देंगे तो यस आंसर इज हाउ मच बच्चो टू मीटर्स सो बीज द आंसर सिंपल अगेन अगेन क्वेश्चन फ्री के नंबर है बच्चो फ्री के ले जाओ ले जाओ ऐसे कह रहे हैं वो कि तुम आ जाओ यार हम तुम्हें सिलेक्शन दे देंगे बस तुम आ जाओ ठीक है थोड़ा सा पढ़ के आ जाओ ठीक है आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन एन ऑब्जेक्ट विदोसिटी वी नॉट स्पीड अप विद एन एक्सीन ए एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी वी नोड है वो स्पीड अप कर रहा है एल वन देन ही स्लोज डाउन फिर वो धीरे हो जाता है सेम से वो रिटार्ड करता है एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट एंड स्टॉप आफ्टर ट्रेवलिंग टू If L2 by टू बाई एलव के अगर एल टू बाई एल वन की वैल्यू के दी हुई है मैक्सिम ट्रेवल पूरी जर्नी के दौरान उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी ये उसने पूछा है बच्चों बड़ा ही इंटरेस्टिंग है सोच करके देखो ठीक है हम सॉल्व करते हैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो पॉज करोगे सॉल्व करोगे वापस आओगे चलिए बच्चों में उम्मीद करूंगा आपने सब कुछ फॉलो किया लेट स्टार्ट एंड लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन सिचुएशन इज लाइक दिस इनिशियली ये गाड़ी मान लीजिए यहां पे स्टार्टिंग विद अ वेलोसिटी वी नॉट एक्सलेट करती है एक्सलरेट कर रही है एक्सलेट की कितनी स्पीड अचीव की बच्चों उसने स्पीड अचीव की मान लीजिए यहां पे कुछ वी डैश हमें नहीं पता कितनी की वी डैश की और ये डिस्टेंस एल है फिर उसने क्या किया uh, फिर उसने यहां पे सेकेंड टाइम पे रिटार्ड किया रिटार्ड किया पहले ए आगे की तरफ थी अब एक्सिलेशन किस तरफ होगी पीछे की तरफ क्योंकि अब क्या कर रही है रिटार्ड और फाइनली फाइनली बच्चों वो आकर के रुक जाती है। Stop, जाती है है स्टॉप जीरो वेलोसिटी कर अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है एल टू तो उसने बोला है मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करो अब यार आप खुद समझदार हो पहले अगर वो एक्सिलेट कर रही है यानी कि इस टाइम के दौरान उसकी स्पीड अप हो रही है जब वो रिटार्ड करना शुरू हो गई तो उसकी स्पीड क्या हो गई डाउन हो गई तो सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन के अंदर कि मैक्सिमम जो है स्पीड कौन सी है तो आई थिंक अब तुम लोग यार बच्चों क्लियर हो कि मैक्सिमम स्पीड तो सर ये है क्योंकि जब तक वो स्पीड अप करेगा तब तक तो उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी पर जैसे उसने रिटार्ड करना शुरू कर दिया उसकी स्पीड कम हो जाएगी तो दैट इज़ गोइंग टू द मैक्सिमम स्पीड मैक्सिमम स्पीड कौन सी है बच्चों वी डैश है तो हमने वी डैश फाइंड आउट करनी है ये ए कह देता हूं ये बी कह देता हूं और ये सी कहता हूं चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ए बी की अब बच्चों ए बी की अगर मैं बात करता हूं तो आप इतने समझदार तो हो इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट दी है फाइनल वेलोसिटी वी डैश दी है एक्सेलेरेशन ए मान ली लेंथ एल वन मान ली कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा जो इन सबको लिंक करेगा सर एकमात्र इक्वेशन वी स्क्वाज इक्वल टू यू स्क्र प्लस ऑफ टू एस एंड यस So square, yes. तो इनिशियल वेलोसिटी बच्चों v नॉट स्क्वायर यस एक्सेलेशन मान लीजिए मैं ए मान लेता तो नो इशू डिस्टेंस l1 दे रखा है एंड येस yes, v डैश का स्क्वायर क्योंकि उस टाइम पे वेलोसिटी ये है तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है सेकंड इज फॉर बी सी अगेन इनिशियल बी सी के लिए जो इज गोइंग टू बी इनिशियल बन गया अब सी बन गया इनिशियल तो कितना एल टू अब क्या कर रही है रिटार्ड ऑलवेज ऑलवेज इंसर्ट वैल्यूज विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन क्योंकि सब लोगों ने सिर पे टोपियां डाल रखी हैं अगेन वी आर गोइंग टू यूज द इक्वेशन वी स्क्वे प्लस ऑफ टू एस

अगर मैं अब इक्वेशन को देखूं बच्चों तो यहां पे जो v का जो वैल्यू है इक्वेशन के ए एल टू को इलिमिनेट कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा अगर मैं इसको इलिमिनेट कर दूं मेरा आंसर आ जाएगा अब इसको इलिमिनेट कैसे करना है अब यार सिर्फ और सिर्फ मैथ सॉल्विंग है फिजिक्स का काम तो खत्म हो चुका है आप देख सकते हो इनिशियल इक्वेशन क्या थी वीडे स्क्वल टू वी नॉट स्क्स टू ए एलवन चलिए ऐसे करते हैं इस की इंसर्ट कर देते हैं यहां हैं जैसी वैल्यू आप इंसर्ट करोगे यहां पे आ जाएगा टू ए एल टू इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस ऑफ टू एल वन यस चलिए इस चीज को हम दूसरी साइड लेकर के जाते हैं तो यहां पे आ जाएगा टू ए एल टू माइनस टू ए एल वन इज इक्वेल टू वी नॉट स्क्वायर अब यहाँ पे मैं टू ए एल टू कॉमन निकाल लेता हूँ क्यों क्योंकि मुझे इसी को एलिमिनेट करना है तो मेरे पास क्या बचेगा 1 माइनस एल वन बाय एल टू देट इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अब यार ये क्या है सर ये तो एल वन बाय एल टू आ गया तो बच्चों उसने दे रखा है कि एल टू बाई एल वन इज इक्वल टू के एंड दैट इज गिवन तो मैं लिख सकता हूँ कि एल वन बाय एल टू इज इक्वल टू वन बाय के यस yes. तो देखिए मेरे पास क्या आ गया टू ए एल टू वन माइनस वन बाई के इन टू वी नॉट स्क्टर तो यहां से अगर मैं फॉलो करूं स्टेप्स को तो मेरे पास आ गया टू ए एल टू के इज इक्वल टू वी नॉट स्क्र राइट तो अगर मैं इसको थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाऊं तो यहां पे बच्चों मेरे पास क्या है था टू ए एल टू इन टू के माइनस वन अपॉन के इज इक्वल टू वी नॉट तो

इन टू वी नॉट और आप देख सकते हो ये कौन सी इक्वेशन है कौन सा आंसर है तो बी इज द आंसर बच्चों लास्ट में टाइम जरूर लगा थोड़ा सा लेंथ गया पर वो मैथ्स था ठीक है फिजिक्स तो वहीं पे खत्म होगी थी जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया था कि कौन सी वैल्यू क्या फाइंड आउट कर रही है और कौन सी इक्वेशन लगेगी ठीक है तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ कैटेगरी के अंदर मार्क कर देता हूँ लिटिल बिट टफ एंड येस एनएससीजीएस का है तो आपने सभी क्वेश्चन वहां पर नहीं भी अटेम्प्ट करने होते हैं सो यू शुड नो योर स्ट्रेंथ्स प्लस योर वीकनेस इज वाइल गोइंग टू द एग्जाम ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टू डेज क्लास ठीक है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन और ये बच्चों अगर आप आप अभी अभी आप eight, के अंदर और आप देखोगे प्लस के अंदर आप आप सेम कर रहे होगे और आप बहुत फील करोगे मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड कर देता हूँ अ बॉडी ट्रेवलिंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक गाड़ी चल रही चल रही है बॉडी चल रही है विद अ यूनिफॉर्म एक्सलेशन यानी कि यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट ठीक है यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है बच्चों कांस्टेंट कांस्टेंट मतलब अब हो सकता है किसी को कांस्टेंट का मतलब ना पता हो मतलब टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज कांस्टेंट थ्री मीटर पर सेकंड ऐसा कुछ भी वैल्यू जो लिखी हुई है दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट एंड हैज अ वेलोसिटी ऑफ फाइव मीटर पर सेकंड एट अ पॉइंट ए ए पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी बच्चों फाइव मीटर पर सेकेंड फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड एट पॉइंट बी फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड है बी पॉइंट पे रिस्पेक्टिवली ठीक है इफ़ एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी अगर एम ए और बी का मिड पॉइंट है देन वो पूछना चाहता है कि इनमें से कौन सी वैल्यूज़ करेक्ट होंगी रेशियो ऑफ डिस्टेंसेज क्या होंगी विलासिटी ऑफ मिड पॉइंट क्या होगा विलॉसटी एवरेज विलासिटी ओवर ए एम क्या होगी प्रोडक्ट ऑफ एक्सलेशन एंड डिस्टेंस क्या होगा ऐसी वो चीज़ें पूछ रहे हैं बच्चों क्वेश्चन के अंदर वो नो no डाउट चार पाँच चीज़ें आपसे कैलकुलेट करवाना चाहता है ठीक है पर क्योंकि मुझे पता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है तो मैं डायरेक्टली हम वहीं पे चलते हैं अगर बच्चों ऐसा क्वेश्चन मिलता है सो ऑलवेज ट्राई टू लुक फॉर वेलोसिटी एट मिड पॉइंट सबसे पहले चेक हमेशा यही करना वेलोसिटी एट मिड पॉइंट क्योंकि जनरली ऐसे क्वेश्चन के अंदर वो इसी चीज को हिट करवाने की कोशिश करता है चलिए स्टार्ट करते हैं अब उसने क्या किया बच्चों यहां पर ए पॉइंट बी पॉइंट और एक मिड पॉइंट मिड पॉइंट मतलब उससे पहले भी डिस्टेंस एक्स है और उसके बाद भी उसी को तो मिड पॉइंट कहते हैं गाड़ी चल रही है इसकी स्पीड है यहां पे फाइव फाइनली यहां पे गाड़ी की स्पीड है फिफ्टीन फाइव मीटर पर सेकेंड एंड फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड दीज आर द वैल्यूज चलिए अब मैं क्या कहता हूं यहां पे इस चीज को कह देता हूं कि लेट्स सपोज दिस इज वॉट दिस इज यू इस चीज को बच्चों मैं कहता हूं कि मान लीजिए इसको मैं यू कह देता हूं एंड दिस इज वॉट वी यहां पे जब गाड़ी मिड पॉइंट पे पहुंच रही अच्छा एक्सलेशन दोनों टाइम पे ए है एक्सलेशन दोनों टाइम पे ए है यहां पे जब वो मिड पॉइंट पे पहुंचा उसको मैं कह देता हूं वी एम के स्पीड एट मिड पॉइंट अब बच्चों अगेन अगेन अगर मैं इसको कह देता हूं ए एम की अगर मैं बात करता हूं ए एम की इनिशियल वेलोसिटी u है फाइनल वेलोसिटी वी एम है डिस्टेंस x एक्सलेशन a कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं वी स्क्वायर इज हील्ड यू स्क्वायर प्लस ऑफ टू ए इनिशियल वेलोसिटी इज यू स्क्वायर जिसको आपने फाइव बोला है एक्सलेशन a है कोई इशू नहीं है डिस्टेंस x है और फाइनल वेलोसिटी यानी कि m पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या बन गई वी स्क्वायर अब मैं बात करूंगा इस mb की एम mb की बात करते हैं एम बी के लिए इनिशियल पोजीशन क्या होगी M एम होगी और फाइनल पोजीशन क्या हो गई बी होगी अब इनिशियल पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी है बच्चों वी एम है और फाइनल पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी है बच्चों वी जिसको हमने 15 बोला है तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एम स्क्वायर प्लस ऑफ टू एक्स फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन अब यार आपको पता है यहां पे ये, जो 2AX है, ये बीच में पंगे डाल रहा है क्योंकि वी एम स्क्वायेर तो मैं बड़ा इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं तो आप क्या कीजिए बच्चों वन माइनस टू कर दीजिए जैसे आप वन माइनस टू करोगे आपके पास क्या बन गया देखिए वन माइनस टू इज गोइंग टू बी वी एम स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ये आपको उम्मीद होगी पता होगा कि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड वाले से लेफ्ट हैंड साइड वाले माइनस करोगे और इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाले से राइट हैंड साइड वाले माइनस करोगे एंड यू स्क्वायर माइनस ऑफ वी एम इनको रीअरेंज करते हैं तो मेरे पास बन रहा है टू वी एम स्क्वाज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर सो वी एम स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाय टू एंड वी एम इज इक्वल टू रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाय टू और बचा पार्टी अगेन इस चीज को तो घोट करके पी ही जाइए क्या कर जाइए पी ही जाइए क्योंकि ये बच्चों सीधा क्वेश्चन इवन के आपको प्लस वन के अंदर भी मिलेगा और अगर आपको अभी से ये चीजें याद होगी और वहां पे आप देखोगे जब आप प्लस वन के अंदर इंटरव्यू करोगे तो दैट विल बी अ केक वॉक फॉर यू राइट चलिए क्वेश्चन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 5 फाइनल थी 15 द रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सो इट इज कमिंग आउट टू बी रूट ऑफ 25 प्लस 225 डिवाइडेड बाय 2 सो इट इज गोइंग टू बी रूट ऑफ 250 राइट right? 250 बाय 2 व्हाट इज दैट रूट 125 और आप इसको क्या लिख सकते हो 5 रूट 5 मीटर पर सेकंड तो बी इज द आंसर बाकी पार्ट्स भी आप चेक कर सकते हो आप रेशियो और ऐसी डिस्टेंसिस अब मिड पॉइंट पे वेलोसिटी आ गई एक्सलेशन आ जाएगी अब आप कुछ भी ऐसी चीज वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो ठीक है बच्चों तो आज की वीडियो के लिए बच्चों इतना ही आपने देखा हमने एन एस के क्वेश्चन किए कुछ काफ़ी इजी थे कुछ एनालिटिकल थे और थोड़े से जो थे वो लिटल बिट टफ थे अगर आपको लगा आपको लॉस्ट फीलिंग आई कि यार ये क्या चल रहा है ये क्या हो गया तो प्लीज़ बच्चों डू वॉच माई ऑल द प्रीवियस वीडियोज तीन वीडियोज़ मैं करवा चुका हूँ उनको देखिए उनको देखने के बाद फिर से इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए एंड येस दिस विल बेनिफिट यू अलॉट इन द अपकमिंग टाइम तो ठीक है बच्चों एज आई प्रोमिस्ड फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे अपना टाइम याद है वेंसडे एंड सैटरडे अमेजिंग फिजिक्स एन एस सी जी एस लेवल की क्वालिटी कंटेंट मैं लेके आऊँगा आपके लिए आपका फिजिक्स टीचर रोहित गर्ग तब के तब तक के लिए फिर बच्चों हम मैं आपसे अलविदा लेता हूँ बाबा टाटा सेहत का ध्यान रखना बच्चों